उपमंडल भलदाड़ा बामबला बही सुरपुर पंचायत जबोडी खड पर अभी भी पुल नहीं बन पाया। पुल के ये वीडियो विकास के बेमिसाल 6 सालों को दिखा रही है। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार अपने लोगों को कितना विकास का दावा कर रही है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये दृश्य ग्राम पंचायत तुलपुर जबोट की उस सड़क का है जो 2014 में बाढ़ में बह गई थी। और पिछले 6 साल से पंचायत के लोग लोक निर्माण विभाग द्वारा खड में जो टेम्परेरी सड़क बनाई जाती है उससे अपने रोजाना के कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में लोगों से वोट बटोरने के लिए इसको बनवाने के वायदे भी किए गए, पर सरकार बनते ही किसी भी नेता को यहाँ के लोगों और उनकी जरूरत की याद नहीं रहती। हर साल बरसात के शुरू होते ही सुलपुर पंचायत के लोग मेन रोड से कट हो जाते हैं। लोगों को यहाँ के मेन बाजार जाहू जाने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि यहाँ के लोगों को मेन बाजार 2 किलोमीटर है। पीछे हुए लोकसभा चुनाव में तो मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए पुल का शिलान्यास भी किया, पर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए सरकार भूल गई कि कोई शिलान्यास भी हुआ था। स्थानीय पंचायत ने भी कई बार लिखित रूप से अपने लोगों की ये समस्या और जरूरत को प्रशासन और सरकार के ध्यान में लाया, पर किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। एक और बात गौर करने लायक है, जाहू और बामपला को जोड़ने के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत का एक पुल पहले ही बना हुआ। उस पुल से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर लगभग 1 करोड़ की लागत का एक और पुल बनकर तैयार होने को है, जो कि जाहू बामपला को कनेक्ट करता है। पर जिन लोगों के लिए पुल बनना चाहिए था उनके लिए पुल नहीं बनाया गया। वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर खड्ड पार कराते हैं, जो कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। प्रशासन के इस तरह के व्यवहार के चलते लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है। भोटा से कुछ दूरी पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सुपर हाईवे करेर के पास टाइलों से भरा एक टेम्पो अचानक सड़क किनारे पलट गया, जिसमें चालक बलविंदर व सहचालक सन्नी को मामूली चोटें आई हैं। दोनों ही व्यक्ति भटिंडा के निवासी हैं। टाइलों से भरा टेम्पो गुजरात से हमीरपुर की तरफ जा रहा था और करेर के पास ये घटना घट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने चालक व सहचालक को कड़ी मुशक्कत के बाद टेम्पो से बाहर निकाला। वहीं इस हादसे में टेम्पो का अगला शीशा चकनाचूर हो गया है। वहीं करेर पंचायत के हल्का पटवारी अश्विनी भी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी अजय सिंह का कहना है कि इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है। भोटा चैरिटेबल अस्पताल को कोविड-19 सेंटर को हटाने की मांग को लेकर डीएम हमीरपुर से एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को इसके बारे में पत्र लिखकर गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक चैरिटेबल अस्पताल भोटा को कोविड-19 सेंटर से नहीं हटाया गया है, जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल ने डीएम हमीरपुर से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को भोटा से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और भोटा राधा स्वामी अस्पताल की ओपीडी को खोला जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द अस्पताल की ओपीडी को नहीं खोला तो 31 जुलाई को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डमरोग रोड पर रहने वाले लोग आजकल खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के चलते इस रोड की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि इस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो चला है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। सड़क की मिट्टी पूरी तरह से गारा बन चुकी है, जिससे कुम्हार चाहे तो बर्तन भी बना सकता है। इस चिकनी मिट्टी की सड़क पर रोज वाहन और क्षेत्रवासी फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। अब इन गड्ढों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई तकनीक को विकसित किया है। जिसमें गड्ढों को गीली मिट्टी से भरा जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डमरोक वासियों की
लोक निर्माण विभाग मुश्किलें बढ़ाकर परीक्षा लेना चाहता है ताकि वे पूर्ण रूप से खतरों के खिलाड़ी बन सकें। क्षेत्रवासियों ने रोष जताते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों को भरने के लिए नई तकनीक विकसित की है, जिसमें वे बरसात के मौसम में सड़क के गड्ढों में और गीली मिट्टी डालकर भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नई तकनीक से सड़कों की हालत और ज्यादा खस्ती हो चली है, तभी क्षेत्रवासी इससे बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि जहां एक और जिला प्रशासन को सड़क को पक्का कर लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए थी, वह उनकी सड़क को मिट्टी डालकर और ज्यादा दलदली बना रहा है, जिसके चलते उनकी समस्या कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है।